आज सुबह के सहरी में अंडा पाव है, ये देखो पाव अभी तर में तो गरम गरम पाव सेक लेंगे इधर पर अभी। सहरी कर लेते हैं, सहरी करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। मेरे को बनाने हो गया, मैंने अंकल को भी दे दिए, अभी लास्ट था, अब लेकर जाती हूँ और सही भी करूँगी, टाइम भी होने आ रहा, बाद में मिलती हूँ सही करने के बाद। सुबह उठ के सहरी कंप्लीट हो गया है, मम्मी नमाज़ पढ़ के कंप्लीट हो गए, मम्मी भी ना ये कुरान शरीफ पढ़ेंगे। मम्मी ने पहले मुझे कुरान शरीफ मेरा सुननी है, मैं नमाज़ पढ़ ली, अब सो जाएंगे। सोने के बाद मैं उठ के अभी बाहर जाने का है, दूध ख़त्म हो गया, दूध लेने जाने का है, तो चलो बाद में आपसे मिलती हूँ। मैं तस्बीह गिनते हैं, देखो कुरान शरीफ पढ़ के कंप्लीट हुआ है, 7 बजे मेरा पहले हो गया, मम्मी का भी नमाज कुरान शरीफ पढ़ के कंप्लीट। बोली मम्मी जाके तुम सो जाओ, मम्मी सोई नहीं, मम्मी आके बर्तन धो लिए, देखो बर्तन धोने के लिए आ गई किचन में। मम्मी क्या करते पता है, मम्मी का क्या है, मम्मी काम वाम करने के बाद मम्मी बोलते कि नींद अगर आराम से इंसान जब सोएगा तो काम वाम करने के बाद तो नींद अच्छी होती है, और ऐसा नहीं लगता अरे काम बाकी है, वैसा मतलब फील नहीं होता, ऐसा लगता है अरे मैं सॉरी मेरा काम तो ख़त्म हो गया है। खाना बनाने का तो तब तो जब बनाने का रहेगा तब बना लेंगे, सुबह का जो काम रहता है वो कंप्लीट हो जाता है तो इंसान को सोने में भी अच्छा लगता है और ऐसा माइंड फ्रेश रहता है कि हाँ चलो मेरा सुबह का काम हो गया, अब सो के उठ के दोपहर में खाना बनाना चावल चढ़ाना जो रहता है वो हम लोग करते हैं। फिर बर्तन बहुत सारा निकला, कल भी इतना सारा निकला था, आज भी इतना सारा निकला, फिर अफ्तारी का निकलता है, फिर हम लोग रात में जो खाना खाते हैं उसका निकलता है, सहरी का निकलता है, तो उसके साथ में बहुत सारा बर्तन निकलता है। तो चलो बाद में आपसे मिलते हैं, मैं बर्तन धोऊंगी, मम्मी बर्तन धोएंगे, दादी से आपसे मिलते ही। मेरा बोलने का मतलब था मम्मी आप बर्तन धो रहे हैं वहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, मेरा बोलने का मतलब ये था, तो मैं गलती से बोल दी मम्मी बर्तन धो रहे, मैं बर्तन धो रही मैंने बोल दी तो नो प्रॉब्लम, होता है मिस्टेक होता है, मिस्टेक होते होते इंसान सीख जाता है आगे बढ़ता है, तो वो बातों को माइंड नहीं करने का, वो बात को देख के हंस के कटा देने का। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह मैं उठ के सहरी करके कंप्लीट हो गया है, नमाज़ पढ़ के कंप्लीट हो गया है, तो मम्मी बोले कि जो भाई ने कल योगा का मैट लाया था उसमें मम्मी अभी देखो आपको ऐसा खाना खाने के बाद हमेशा हम लोग को भद्रासन में, जो मम्मी जो पोज में बैठे हैं उसको भद्रासन बोलते हैं, तो आप लोग इसमें बैठोगे ना तो अपने शरीर के अंदर कोई बीमारी रहती है ना वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, और बीमारी कभी आएगा नहीं। दवा की जरूरत नहीं पड़ती एकदम, तो इसको वज्रासन बोलते हैं। अगर ऐसा बैठे रहोगे ना तो इंसान के जो पेट में गैस होता है वो गैस निकल जाती है, पहले गैस से बीमारी होती है, तो आप लोग को पेट अच्छा जाएगा तो हम लोग को कोई बीमारी नहीं होगा। तो ये जब भी अपने को लगता है ऐसा तो खाना खाके जैसा लगता है बदन में जैसा लगता है इधर सीधा ऐसा वो ऐसा बढ़ जाएगा, भद्रासन में बैठिएगा, तो भद्रासन के बैठने के बाद तो आपको देखो रिलैक्स भी होगा, जो भी अपना पेट की जो भी शिकायत है वो दूर, दवा खाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी इंशाल्लाह। कैसे बैठ के अगर तुम ऐसे बैठे रहो चलेगा, तुम जाके ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसा चाइल्ड पोज इसको बोलते हैं, चाइल्ड पोज, ये सबसे बेस्ट है। ये मेरे बच्चे लोग को भी मैं ऐसे बोल देती हूँ, कोई बोलते मम्मी मेरे पेट में ऐसा क्या हो रहा है ऐसा, वो जाओ वज्रासन में बैठो, मतलब ये वज्रासन बोलते हैं, इसको चाइल्ड पोज बोलते हैं, इसको जब भी हम लोग नीचे सर झुका के जाते हैं उसके बाद चाइल्ड पोज जाके हमारे सर पे खून आ जाता है, ब्लड हो जाता है, तो हम लोग को ब्लड को नॉर्मल रखने की रह सकते, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगा इससे। हाँ तो चलो मम्मी यहाँ पे योगा कर रहे हैं, फिर आके बर्तन वर्तन धोना है, तो चलो बाद में आपसे मिलती हूँ। ऐसा आप लोग को ये उंगली का गांठ दुखते है, ये जो उम्र हो गया उसको भी होता है, जो बच्चा वो भी होता है, जो जवान उसको भी होता है,
तो हाथ सुन भी हो जाता है ना, हाथ सुन होने के लिए हमको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग पहला अपने घर में भी थोड़ा ये क्या आसन है, ये कुछ नहीं है, कोई आके ऐसे कर रहा नहीं, हम उस तरीके से ऐसा कर ऐसा करने से क्या होता है, अपना ब्लड जो है ना जिधर भी जमा रहता है वो निकल के पूरे बॉडी में जिधर से जाना रहता है जाते नस नस में, तो हम लोग को दुखेगा नहीं। ये ऐसा ऐसा हम लोग को जो जोड़न बोलते हैं ना, क्या होते हैं हिंदी में वो, इसको क्या बोलते हैं, ऐसा जोड़ जोड़ को क्या बोलते हैं हिंदी में, बंगाली में इसको बोलते हैं जोड़, हाड़ी जोड़, हड्डी जोड़, जोड़ जोड़ में ना रुकेगा नहीं कभी भी, कभी का अपने को डॉक्टर खाना का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। अल्लाह की इबादत करने का, योगा करने का, दूसरे को याद करने का, ख्याल रखने का, बस। तो चलो बाद में आपसे मिलते हैं। क्या कर रहे हो? ये देखो मैं इधर, ये जो मच्छर की वजह से देना पड़ा, इन लोग के घर में ऐसा जाली सिस्टम नहीं है ना। अच्छा, ये देखो मैंने इसको हाथ से बनाया, इसको रोशन की थैली का, ये अंडे के छिलका क्यों रखे हो? ये अंडे के छिलका, ये मिट्टी का खाद बनता बहुत अच्छा। अभी इधर ज़्यादा हवा धूप नहीं लगता ना, ये देखो वाटरमेलन का झाड़ मैंने वो जुनेद का उधर से लेकर आया था ना, टिफिन में था भाई के, वाटरमेलन खाया था, ये देखो बीज था मैंने लगा दी फिर कि नहीं। ये मिर्ची का झाड़ है, वो लाल होती है ना, उसको कौन सा मिर्ची बोलते हैं, कश्मीरी, हाँ, तो उसके बीज लगाए। देखो ये जो अंदर जो है ना, ये देखो मैंने कैसे बारीक करके दे दी, आपको मिक्सर में पीस के भी दे सकते हैं, शील की नोड़ा से ना इसके ईट से, तो इसमें खाद बहुत अच्छा रहता है, ये ऑर्गेनिक खाद अच्छा रहता है ना। अब इधर रहे नहीं होता ना, धूप नहीं लगते, झाड़ वालों का ग्रोथ नहीं हो रहा। देखो अब क्या करेंगे, अभी जब ग्रोथ नहीं होता तो उसको मरने का था। ये देखो थोड़ा सा ये युवा अल्लाह करे पूरा, ये उगेगा कि पूरा मिर्ची देगा कि नहीं देगा मालूम, यही देख के मन में बहुत खुश हो जाता है, इंशाल्लाह देगा, तो मेहनत करो। ये देखो इसको ऐसा करें, थोड़ा संभाल के करने का, ये नोकीला बहुत रहता है। मम्मी का ऐसा दे दो, करते करते वीडियो इधर ही एंड करते हैं। आप लोग को पूरे टाइम का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स कर देना। बाय, अल्लाह हाफिज़, तो हमें याद रखना। एक मंडे मार्केट के उनसे शांति नगर का तो भीड़ है, देखो इधर ज़्यादा भीड़ नहीं है, उधर उधर कौन सी किधर है, नया नगर वो, ये शांति नगर है, यहाँ पे क्योंकि काम चले बोल रहे सही की दादा को लगा, ये देखो लाइन पूरा भरा हुआ रहता है, एक रोड टूटा और एक रोड, ये रोड बना कि वो बना, ये बना रहे इसमें यहाँ पे कोई लगा नहीं, पूरा भरा हुआ रहता है। ये जाएंगे नया नगर ना, पैर रखने की जगह नहीं है, आप लोगों को बता दे चलो, नया नगर का मार्केट चलो, नया नगर लेकर जगह नहीं है। इधर भी कितना अच्छा अच्छा कपड़े हैं, एक है वो पंच के साथ में, वो पिंक ब्लू वाला, ऐसा ये सीन देख, मैडम अपना कांग्रेस का ऑफिस मतलब ये स्टेशन की उधर है, स्टेशन की उधर का, जितने इधर पे भी भीड़ है, ट्रैफिक बहुत सारी है इधर भी, जा रहे हम नया नगर मेन पॉइंट पे जा रहे हैं, वहाँ का आपको भीड़ बताते हैं, रश कौन सा, ये वाला देखो कैसा अंदर चल रहा है, ये पांच बोला Thank you.
शोरमा है। अब हम लोग जा रहे घर, घर चलते हैं तो बस बंद हो जाएगी।